हेलो दोस्तों, मैं न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, दिवाली आ गई है और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया, उसके लिए घर में थोड़ा सा चेंज करा रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस, हम थोड़ा सा बना रहे हैं दाल, दाल बनाने वाले हैं, तो खा लो चने की दाल, लंबे लंबे प्याज वाली को हमारी गोड़ा मार तो छोड़ भी चल रहा है। और गाइस देखो, मतलब जब कुछ भी घर में काम कराते हैं ना, इतना सब कुछ फैल जाता है। जो सामने साईं बाबा की फोटो लगी है ना, ये हम मतलब 2 साल से लगी हुई है इसमें ना, पीछे सीलन की वजह से पता नहीं क्यों सारी काली पड़ गई। तो हमने ना सोचा, पहले साईं बाबा की सोचे थे कि हम चेंज करा के साईं बाबा की ही लगा देंगे। मैंने शिव जी की भी सोचा था कि महादेव की लगा देंगे, क्योंकि महादेव को बहुत ज्यादा मानती हूँ। कितनी मेहनत था साईं बाबा की, हम कर देंगे। एक स्पीड से सब्जी बनती है हमारे घर, और गाइस देखिए, फटाफट मैंने सोचा कि सब्जी बना देती हूँ, आटा वगैरह बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर घर में धूल का काम होगा, टाइल वगैरह कटेगी तो फिर खाने में जाएगी। तो मैं सोचा कि पहले वो कर लेते हैं जब तक ये फोटो उतारते हैं साईं बाबा की। और गाइस फटाफट सब्जी तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब तक ये कुछ लोग ऐसे होता है कि पहले सब्जी काटेंगे फिर छौंक बनाएंगे, मैंने एक साइड छौंक पकने रख देती हूँ, साथ साथ सब्जी काट देती हूँ, तो उससे ना खाना हमारा जल्दी बन जाता है फटाफट। तो कुछ तरीके होता है जिनसे हम खाना जल्दी बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम ना किचन में स्पेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए गाइस, अभी स्टार्ट हो गया है काम। सबसे पहले लाइटिंग जो लगी थी वो उतारी। मैं सोची थी कि इस लाइटिंग को ना मैं अपने फ़ोटो के चारों तरफ लगा दूंगी, अगर ठीक ठाक रही तो, क्योंकि चाइनीज चीज़ें आती है जल्दी ख़राब हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, तो मतलब चाइनीज चीज़ों गारंटी तो होती नहीं, चले तो कब तक चल जाए, ना चले तो एक दिन ना चले। आराम से मैं चला गया, उससे सिर्फ टाइल में अधिराज मारे दिखाए ऊपर है। तीन दर्शन बने हुए हैं गाइस, ये देखो। गाइज हम ना ये सोचे थे कि साईं बाबा की ना पूरी फोटो मतलब टूटे ना, एज इट इज जैसी ऐसे की ऐसे ही निकल जाए, क्योंकि बाद में इसमें साईं बाबा की फोटो निकलवा के कोई दूसरी फोटो एडजस्ट कर देंगे। फ्रेम तो बहुत अच्छा है, मजबूत है, शीशा भी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ये लोग वही ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से निकल जाए। नहीं कुछ ना गया, मम्मी जी उतर गई, सीमेंट उतरा था, उतर गई। देखो कितनी बड़ी थी, पीछे क्या लगा रखा, व्हाइट व्हाइट से किया है, स्काई ब्लू सा, बहुत मेहनत है। गाइस अभी घर में किसी को नहीं बताया क्या लगने वाला है, ये सरप्राइज है, और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है कि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में देखना। देखो ये पापा जी के दौरा था, अधिराज हो इतना चौक जा चीज दे के घर में कुछ कर नहीं, वो सब पेंट करने वाले को देख रहा था। अधिराज का होला बेटा, ओ अधिराज, अधिराज ते दही तोड़ दूंगी मैं, देख यही तो पलक नहीं जब तक, कितनी देर होगी, मुंह तो खोल लगा गंदीला। ऐसे साईं बाबा की ना 5x3 की फोटो है, और जब लेके आए वो 6x4 की फोटो है, मतलब 6 फुट लंबी 4 फुट चौड़ी, देखो कितनी बढ़िया, वो आपको देख के आइडिया लग रहा होगा, इससे भी काफ़ी बढ़िया हम लेके आए हैं, और हॉल में लगेगी ना उसका लुक ही मतलब ओसम लुक आएगा, अच्छा लुक आएगा बहुत। गाइस हमने साईं बाबा की तस्वीर हमने इसलिए उतरवाई क्योंकि सारी ब्लैक हो गई थी, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो ये चेंज तो करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल सामने एंट्रेंस पे थी तो अच्छी नहीं लगती, और मतलब यहाँ पे हम दूसरी वाली तस्वीर लेके आई है, वो हम टाइल में लेके आई है, तो सरप्राइज़ ही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों भी मुझे लगता है आप लोगों की बहुत काफ़ी अच्छी लगेगी। और ये देखो कुजाट तुजाट वाले मेरा बेटा मैं चिकी देखो, वीडियो बनवाने के लिए कितना खुश रहे,
इतरा रहा पूरा पलक नहीं झपका था बिल्कुल भी, पलक भी झपका लेकर तू जात लद था। देखो टाइगर बना हुआ है राज के वस्त्रों पे। देखो गाइस ये ऐसे देख रहा है जैसे घर का बड़ा देखता है, ध्यान दे रहा है। ये पापा जी और सावन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिराज निभा रहा है। ये अर्जिंग हर काम में आगे रहती है। किटी पूरा को आजा लगवा न लिए आ कुक में पूछ कर जा जादी वैसे ये नहीं पता होगा कैसे करेंगे। ये वाली टाइल है अभी थोड़ा सा ये लुक देख लीजिए आप पूरा लुक कैसा लुक आएगा। लुक देखने के लिए आपका वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। काम देख क्या काम चल रहा खुशी में जाएगा क्या करेगा। गाइज मैंने सोचा था कि एक घंटे में लग जाएगी लेकिन इन्हें लगाने में ना पूरे 3-3.5 घंटे लगे थे। बहुत ही बारीकी का काम होता है और बहुत सेफली, मतलब मैं तो इग्नोर ही कर रही थी क्योंकि जहाँ से हम खरीद कर लाए थे ना उन्होंने ये बोला था अगर जरा सा भी कोना टूट गया तो पूरी पेंटिंग ख़राब, मतलब जितने पैसे हमने लगाए थे सारे वेस्ट और पूरा लुक बिगड़ जाएगा और फिर बन भी नहीं पाएगी क्योंकि पूरा एक पीस रेडी होता है। देखिए थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा ये वाली फ़ोटो देख के। तो गाइस इन्होंने ना भिगो के रख दिया, पानी डाल दिया कि अच्छे से मतलब पानी एब्जॉर्ब कर लेगी फिर बाद में ख़राब ना हो, मजबूत हो जाती है ना पानी डालने से। देखो अधिराज को ना मतलब कुछ भी दे दो इसे, खिलौने वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा है कि इसे घर की चीज़ें उठाएगा मुँह में डाल लेगा उठाएगा। उस वीडियो में तो सावन भी कहते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो बनाई थी कह रहे थे जिसमें आपकी मेरी बनाई थी हमने वीडियो, तो अभी दिखाऊंगी जरा सा काम करवाने के लिए घर में कितना काम फैल रहा। वैसे हम पेंट वगैरह भी करवा रहे छत वगैरह में थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ तो कुछ जगह वॉलपेपर लगा कुछ जगह पेंट करा रहे हैं तो पूरा दिखाऊंगी मैं अभी आपको कि कितना काम फैल रहा हमारा। गेट के बाहर ये देखो कैसे सामान फैल रहा बड़ा सारा, इधर टाइल भिगो रखी है सारी, इधर देखो वे लाइट जल जाएगी। इसको ऐसे घुमाओ ना ये उल्टे रख दिया आपने। हाँ ऐसे सिर्फ हाँ ये तो कह रही मैं ये ऐसे आओगी एक साइड कर सो। हाँ ये कृष्ण भगवान का है और कृष्ण भगवान के फेस का हिस्सा जो रखा था ये इधर आएगा बीच में। नहीं ये तो ये सिर का है ये इधर है इधर है ये वाला हिस्सा ना ये इधर है यहाँ आएगा ये वाला ये और वो यहाँ आएगा ऊपर वाला। देख सुन देख रहा सुन जगह तू रुक जा शांति रख ले काम चल रहा है मिस्त्री है। देख ये ऊपर आएगा ये चलती रे मेरे इश्क कसिका छाली रे कदा है पूरा घर फैला बड़ा हमारा बुरा दिन है। किचन को साफ सुथरी करेंगे किचन में भी गए देखो हमने हैंडल चेंज करवाई, पहले तो जिस पर बनवाई थी ना बेकार लगा रखे थे उसका नए वाले लगवाई है। उधर टच ही कर दो ना पेंट के लिए जगह छोड़ दो मैं छोड़ा है मैं तो चाहे 5 फुट भी हो जाती है जी भी चल जाती हूँ मैं जी। हाँ मैं जी छोड़ा है मतलब चाहे 5 फुट भी हो जाती लंबाई में दिक्कत सी पड़ रही 10 के पूरे दीवार पे लग जाती है। और गाइस अभी पेंटिंग लगनी स्टार्ट हो गई है आज इलाज इतनी जल्दी कूद गया आप कूद थे इतनी जल्दी
ओ आदिराज, आदिराज गए। मम्मी जी को दिखाइए, मम्मी जी का फोटो दिखाइए। विजय जलीरा जाए जले तो जाए 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 जले बेटा। देखो देख उधर लास्ट बस। जब पूरी अपना भोजन पाओ तो जाम शैन दीदी अपना भोजन लेकर चल दी। हाँ मैं रोटी बना रही हूँ। मम्मी जी फिर गाइस पेंटिंग लगाने के बाद मैंने चाय बनाई, इन्हें फिर चाय दी, बिस्किट दिए। भी बहुत मेहनत करी थी, 3 घंटे लगाए, तो थोड़े से रिलैक्स भी चाहिए।